हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 20 लाख की गई है। मातों बहनों, शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी ही सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी, वो हमारी ही सरकार ने हटाई है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रैप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। आप सभी माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए और यूपी के आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता के लिए मैं फिर से एक बार आपको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का पहला बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्र के नाम मुद्दे की बात तर्क के साथ बारीक पड़ताल सुलगते सवाल